ये शाम का समय है तो मम्मी बोल मैं जा रही थी कुछ घर का सामान लाने के लिए, तो मम्मी बोले नहीं मैं भी साथ में चलूंगी। मैंने कहा चलो अच्छा ये ऐसे बातें करते करते जाएंगे कुछ कुछ सामान खरीदेंगे और लाएंगे। तो इसी तरह मम्मी के साथ मेरा सारा दिन वक्त बीत जाता है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने कब काम किया कब कुछ सामान लाई ना। मम्मी वो तो है, तो इन्जॉय कीजिए आप भी ब्लॉग। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या लेते हैं आज। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गया। अंदर आने से मम्मी याद आया कुछ? हाँ आ गया। अपना याद आया? पापा याद आ गया अपना दिन घूमने जाते थे हम लोग भी, घूमने जाने में रहते थे। और ये सब पूरी हरियाली है, आप लोग देख ही रहे हैं ना कितने हरे हरे अच्छे लग रहे हैं। फूल भी कितना अच्छा, और फूल भी कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैं आप लोग देखिए। ये बगल में जा रही थी तो मैं नहीं बोली कि चलो मम्मी मेरे साथ ही चलो कुछ घूमना भी, घूमना हो गया ना। बहुत घूमना। इस तरह से मम्मी का घूमना भी हो गया, मेरा जो जरूरत की सामान है वो भी ले लूंगी, सब कुछ हो जाएगा और टाइम भी वो हो जाएगा, बोरिंग नहीं लगेगा ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ, यहाँ अंकिता मेरे पीछे आ गई है लेने के लिए। अच्छा बोली कि लेके आ, तो चलो अब मम्मी को छोड़ जाना पड़ेगा। तो मैं आ गई, बाजार से मम्मी को भेज दिया तो कुछ कुछ लाई, मटर वटर लाई। तो मैं सब्जी मटर तो छीलूंगी तो अकेले छीलूंगी ना, तो ये मटर है, बैठ के यहाँ पे बातें करते रहेंगे और छीलते रहेंगे। और नारियल पानी भी लाएंगे, दिखाऊंगे जान जाते और है लाई, इससे मलाई निकलेगा लग रहा। क्या करूँ यही था पानी निकलेगा लेकिन कम निकलेगा, इतना भी निकले टाइट नहीं होगा। पागल नारियल है, नारियल मलाई चाहिए, इसको मलाई चाहिए, इसको नारियल। तो ठीक है कल अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो पैसा देना, मैं वो अंकल वहाँ पे आप रहने दे, पहले ये खत्म हो जाएगा तब ना। अभी मम्मी पापा के लिए देखिए नारियल लाई हूँ, ये मुझसे नहीं हो रहा है तो रोहित ही करेगा ये। चल रोहित ये कर दे, वो लोग घूमने गए हैं ना। कौन? निकला दे इसमें दे। होगा पानी है, नारियल का पानी निकल गया है, मम्मी आएंगी तो दूंगी। और ये मलाई नहीं है, नारियल ही हो गया है। मलाई आज खाने में बन रहा है मेरा ये करेली का भुजिया और ये कद्दू, मीठी कद्दू की सब्जी बना है और शिमला मिर्च आलू की सब्जी जो कोई नहीं खाता। अब मैं जा रही पूड़िया, पूड़ी तलने और पूरी। मम्मी आ गई घूम करके, मम्मी आशीर्वाद दे दो सबको। बहुत बहुत के सुबह नहाई नहीं तो धूप में चल रहा है, आ गई 2 किलोमीटर चल के। खाली पेट चलना बहुत जरूरी ये लो। ठीक है ये पी लो, सबको दे दी, ले लो सबको, थोड़ा ही निकला ना, थोड़ा थोड़ा सबको। ये नारियल निकल गया ना? हाँ नारियल निकल गया, जो टाइट है बोली ना वो पानी नहीं। इसे दबाओ तो दब गया, पानी लगा रहे नारियल बन गया। चलो ठीक है यही पी लो। कैसे आयुष ने कर दिया है तो सबसे पहले क्या करती हूँ, मम्मी पापा का रूम सही कर लेती हूँ। पिताजी और पापा के लिए नाश्ता निकाल दिया है और मम्मी के लिए भी निकाल दिया है, तो पहले दोनों को दे देती हूँ। और बोलते हैं करेला का भुजिया मैंने इसलिए नहीं दिया है, बना है, बोलते हैं कद्दू के साथ करेला नहीं देना चाहिए, ठीक है इसलिए नहीं दिया है। करेला दोपहर में दूंगी, अभी फिलहाल नाश्ता दे रही हूँ। अंकिता रोटी बना रही है, पता नहीं कैसा बना रही है, कितने दिन से इसके नाना बोल रहे थे कि आज अंकिता रोटी बना के खिलाएंगे। खाने के लिए सभी इधर बैठ गए हैं। पापा बैठे रहो, अभी वो बोली रुको, अभी ले ये ले, क्या कर दिया रोटी का देख ले, मैं फुला देती हूँ, ये देख ये तो दूँ, फुला भी नहीं है रोटी, इसका फुला भी नहीं है। कैसे बनाऊँ? हाँ अच्छा ये तो फूल गया रोटी, अच्छा फूलेगा, अब नीचे तो बेली नहीं है, तू रोटी बता क्योंकि मैं इसको फुला रही हूँ। अच्छा मैंने एक रोटी 10 मिनट लगाएगी फुलाने के लिए, तो 2 आदमी बैठे हैं कैसे खिलाएगी बता। यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं मम्मी? हाँ अच्छा लग रहा है ना, कद्दू का सब्जी है इतना अच्छा टेस्टी बना है। पापा शादी से पहले हम लोग क्वार्टर में रहते थे तब अच्छा लगता है या अभी आए हो तब अच्छा, अभी लग रहा है बोलो? अभी लग रहा है ना अच्छा। क्यों? फैल जगह है, खुला खुला एरिया है, तेरे को 10 में से इसमें से कितना नंबर मिलना चाहिए पता है? रोटी में फूल नहीं, नानी तेरे को 10 में से 10। हाँ
नानी के लिए तो फुला फुला कर दिया है। नानी के लिए फुला लिया, रोटी ले अंकू, एक एक अंकू हम नहीं लेंगे, नानी पराठे बना दे। अरे नहीं, एक फूल गया है। आ रही है, फूल गया ना, वो रोटी लेकर के आ रही है। फूल गया, अच्छा देखो देखो, आधा दे। नहा करके आ रही हूँ, लग रहा है अंकिता आज नानी का ज्यादा ही सेवा कर रही है क्या? नानी जाने वाली है। हाँ, नानी जाने वाली है ना। अच्छा अच्छा, शाम हो गई है, सबको चाय बना के दे दिया है। तो मैंने सोची मम्मी वॉक करने गई है, तो ये मैंने मटर छोड़ा है, इसका मैं बनाऊंगी मटर का घुगनी। कैसे बनाती हूँ उसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मम्मी पापा को ये बहुत पसंद है, तो मैं सोची जाते जाते ये भी खिला दी इनको। तो बैठ के हम मेरे और मम्मी ने छोड़ा लिए इसको। पापा मटर का घुगनी खाओगे ना? तो पापा है बोल के खाएंगे। ऐसा लग रहा है क्या क्या खिला दूं, मतलब कुछ छूट तो नहीं, पापा कुछ छूट तो नहीं आया ना, सब कुछ खिलाया ना। चलो सब कुछ खिलाया पापा को, ये मैं बनाती हूँ फिर मिलती हूँ। और अपने लिए मैंने चाय भी बैठा दिया है यहाँ पर। चलिए तेल गरम हो गया है, तड़का मैंने रेडी कर दिया है, अब इसके बाद नहीं मम्मी के लिए अंकिता बना रही हूँ, नानी के लिए तेरी। बाकी लोग घूमने गए, जाएगी क्या? अभी ये सो के उठ रही है महारानी। इसमें मैंने पहले लहसुन हरा मिर्च अदरक डाल ली हूँ, अब इसमें प्याज डालती हूँ। वो नहीं करना है ज्यादा, इसको जलाना नहीं है। अभी मटर जो है इसको डाल दूंगी, थोड़ी सी सब्जी भी रख लेती हूँ, इसको ढक देती हूँ। तो ये रे धीमी आंच में इसको पक रहे, अब इसको पकने दूंगी, अभी तक हुआ नहीं है। और पत्ता भी कटिंग करके रख ली हूँ। ये मटर की घुगनी तैयार हो गई है, और इसमें मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। अंकिता कैमरा पकड़ेगी, पकड़। कब से मैं वेट कर रही हूँ कि मम्मी अब आएगी, वो आएगी, मैं इतनी जल्दी से ये बना दी थी, ये पापा को दे दिया। बातें करने लगी। असम की घुगनी लो। हाँ बहुत अच्छा बना है, इतना और सबको दे दो। है सबके लिए है, ज्यादा बनाया है मैंने। नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? असम का घुगनी खा के देखो, आप लोग भी आइए मेरे घर खाने के लिए। बैठी है मम्मी, तो बोलिए घुगनी मम्मी कैसा बना है? बहुत टेस्टी बना। तो घुगनी अच्छी बनी है। और अंकिता कहाँ भाग रही है? पढ़ने के लिए। चल ये लोग का टाइम टेबल इसके पापा ने बना दिया है। कितने का कितने तक बनाए हो? हमको 6 बजे से 8 बजे तक। तो 6 बजे से 8 बजे तक ये लोग पढ़ेंगे। हाँ, अगर कॉलेज या स्कूल ना हो तो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 6 से 8 तक। चलो एक चीज तो अच्छा हुआ, मम्मी पापा की आने की वजह से लोग का टाइम टेबल बन गया, नहीं कोई टाइम टेबल नहीं। हाँ चलो बैठो, देखो 6:10 हो गए। चल मेरे पापा पढ़ाएंगे। किसके पापा पढ़ाएंगे अपना बोल, किसके पापा पढ़ाएंगे बता? तेरे पापा चल। इसीलिए तो हॉल में इन लोग को बैठाया है कि कहीं भी ये फोन ना करे, कहीं भी ये लोग शैतानी ना करे। चलो बैठो। और तू इधर क्या बैठी है? हाँ मम्मी अच्छा लग रहा है इसे मैं जैकेट में बोला, बूढ़ा सारा जैकेट बूढ़ा बूढ़ा इसी का है। सुबह हो चुका है, मैं नहा के आ गई हूँ और मम्मी अभी तक नहीं नहाई है। हाँ? क्योंकि मम्मी मशीन वॉशिंग मशीन होते हुए भी हाथ से कपड़े धोती है। मम्मी सिर्फ सुखाने के लिए मशीन मेरे को ठीक लगता है। वाह एक खुशखबरी। नानी नानी बताओ बताओ, मामा ने यहाँ पे एक खुशखबरी दिया। बोले कि दादे में टिकट की खराबी आ गया, फिर आप परसों पड़ गया 3:30 बजे। अरे वाह, हुआ ये था 3 दिन पहले टिकट हुआ था वो कैंसिल हो गया, फिर अभी टिकट हुआ वो कैंसिल हो गया, फिर उसके नेक्स्ट डे, मतलब भगवान भी चाहते हैं आप इधर ही रहो।